और अभी सिर्फ बजे हैं 4 बजे में अभी सिर्फ और मैं काम से आ गया। आप सोच रहे होंगे आज इतनी जल्दी कैसे आ गया राहुल, तो सुनो कहानी, तैयार हो जाओ। सिम्बा, चलो छोड़ो सिम्बा को, तो खाना गर्म गर्म रखा है, इसके बाद मेरे को भूख लगी है तो खाना खाऊंगा ये वीडियो के बाद। अभी खाना काम पे खाया था आज सुबह, मैं काम पे पहुंचा 10 बजे, मतलब कर निकले बाबर मैं यहाँ से 9 बजे तक, और पहुंच गया वहाँ पे 9:55 10 बजे तक पहुंच गए थे। वहाँ पे बेसबोर्ड लगाया, पेंट वगैरह बाबा ने कर दिया, टी लगानी थी वो लगा दी, बाकी उनका सामान कम हो गया। तो हमने पाजी को फ़ोन किया कि हम लेके आएँ कि वो लेके आएंगे, तो पाजी ने फ़ोन उठाया नहीं, पाजी मॉन्ट्रियल हैं तो बिज़ी, अभी पाजी बहुत बिज़ी चल रहे हैं। आई होप जिस काम के लिए गए वो हो जाए, तो बहुत मज़ा आया बहुत। तो उसके बाद बाबर में खाना खाने का टाइम था, वो दोनों लगे रहे, हम दोनों लगे रहे जल्दी जल्दी। उसके बाद हम 2:45 पे हम वहाँ से फ्री हो गए, पाजी को फ़ोन लगाया उठाया नहीं, फिर हम निकल गए घर को। रास्ते में स्कोशिया गया पैसे जमा कराने थे, तो पैसे जमा करा लिए। उसके बाद हम निकले घर, 3 बजे पाजी का फ़ोन आ गया था, बता दिया पाजी को कि हमने वो काम कर दिया है और आज मेरा टेस्ट है 4 बजे, तो हम जल्दी निकल गए। तो आज भी मेरा टेस्ट शुरू होएगा, जो कि ये सारा गप है, कोई मेरा टेस्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पर पाजी को ये थोड़ी बोल सकते हैं कि 4 बजे निकल गए, तो पाजी के हिसाब से मैं टेस्ट दे रहा हूँ 4 बजे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम, मैं जल्दी घर आ गया, इसलिए लंच भी नहीं किया। तो ये वीडियो के बाद अब मैं लंच करता हूँ, फिर आज मैथ्स का टेस्ट है मेरा, मैथ और पता नहीं इंग्लिश का सवेरे था वो हो गया, तो असाइनमेंट्स वगैरह दे के फिर मैं आराम से आज सो जाऊँगा, मूवीज देखूँगा। मतलब अब मैं, आज मेरे पे टाइम है बहुत सारा, पर देख लो आज मैं घर से पे जल्दी आया हूँ, तो मेरे अलावा पूरे घर में कौन है, एक सिम्बा और नीचे बिल्लियाँ बस, बाकी सारे काम पे हैं। जल्दी आके भी कोई फ़ायदा नहीं है, कल्ला बंदा क्या ही करेगा। लैपटॉप फ़ोन चलाता हूँ, कोई मूवी वगैरह देखता हूँ, टाइम पास तो करना ही है। आप भी टाइम पास करो, मैं भी जाता हूँ टाइम पास करने, और जाने से पहले एक बार बर्फ़ देख के जाना। अरे मैं मेन जो टाइटल है उसके बारे में तो बताना ही भूल गया, तो एक्स्ट्रा डाटा के बारे में उसकी बात तो कर ही नहीं, और वीडियो ख़त्म कर दी थी। खाना खा के आया हूँ, खाना खाते खाते एकदम से मेरे को याद आया कि वो तो टाइटल रखना है, और वो बहुत कम ही ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे को पहली टाइटल पता होता है कि क्या है, वो आज उनमें से ये वाली वीडियो है। और मेरे को रोज़ वीडियो बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मेरे को रोज़ वीडियो बनाने के बाद एंड में अपलोड करने से पहले टाइटल देना लगता है, वो बहुत बेकार काम है। तो आज मैं काम से आ रहा था, मेरे को फाइडो वाले का मैसेज आया कि सिर्फ आपके लिए राहुल, सिर्फ आपके लिए, जो आपका नंबर है, जो आप फाइडो में हो, हाँ राहुल, हाँ तुम, तुम्हारे लिए हमने 5GB एक्स्ट्रा डाटा दे रहे हैं हम आपको हॉलीडे सीजन करके, कुछ अभी मतलब यहाँ पे मैं नॉर्थ अमेरिका में सर हर जगह हॉलीडे सीजन चल रहा है ना, न्यू ईयर, क्रिसमस, सब कुछ, तो सिर्फ तुम्हारे लिए 5GB एक्स्ट्रा डाटा, कोई मजाक नहीं है, सच में लिखा था, नो किडिंग, नो और क्या लिखा था, नो किडिंग और नो एक्स्ट्रा चार्जेस, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो नथिंग, नो मनी। तो मैं कहा क्यों नहीं, लॉगिन करा मैंने अपने फाइडो में, एक्टिवेट कर दिया, तो अब मेरे को $45 में मिलते हैं 17 GB डाटा महीने का, सही है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे इंटरनेट कितना महंगा है, इंडिया में मेरे को 600 रुपये में, 500-600 रुपये में 1.5 GB मिलता है दिन का, 30 दिन, 3 महीने तक, 3 महीने तक 1.5 GB, और यहाँ पे मेरे को $45 दे रहा हूँ, और वो भी ये वो है, मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी, जो है हमेशा ही रहेगी भी आई होप, कि मेरे को ये वाली डील मिल गई खुद ही, क्योंकि मेरे साथ वाला जो बाबा है उसे वो $20 देता है, 20 GB मिलता है उसे कितने में, $70 में, $70, जिसके मैं 45 पे कर रहा हूँ, 40 है, $5 टैक्सेस मार देती हैं यहाँ पे, तो वो $70 पे कर रहा है 20 GB इंटरनेट के महीने के, क्योंकि इसका यूसेज बहुत है, तो $70 सचो, और कोई फ़ोन भी नहीं, सिर्फ इंटरनेट का ही, सिर्फ $70, $75 चल जाता है वो टैक्सेस के साथ, और मेरे को वो मिलता है 45 में, वाओ। तो यही हुआ, फिर मैंने एक्टिवेट किया, तो अब मेरे को वो मिल रहा है सही, अभी यही प्लान है। तो हाँ, इसलिए टाइटल, वीडियो का टाइटल ये है। अब मैं जाता हूँ थोड़ा अपना मनोरंजन करने, आप लोग बर्फ़ देखो।